अपने को ना थोड़ी चौड़ की आदत है ना बचपन से, थोड़ा फैलान के रहने की आदत थी। तो एक कहानी की शुरुआत करता हूँ, मैं सुनाता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। दो तरह के राइटर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी का सच लिख पाते हैं, और जो ठीक ठाक राइटर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का सच लिख पाते हैं। मैं अपने दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी की शुरुआत होती 2009 से, तब ना अपन कॉलेज छोड़ चुके हैं ये सोच के कि रेडियो में नौकरी करेंगे, और उस वक्त ना फेज 3 आने वाला था। तो फेज 3 मतलब ऐसा कि कुछ ऐसे 100-125 स्टेशंस और खुलने वाले, और अपने को लगा अपनी शक्ल तो वाली है नहीं, पर तो अपन रेडियो में तो काम कर ही सकते हैं ना। मतलब तो अपने को लगा कि दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली जाके कोर्स कर लेते हैं। तो ये बात की शुरुआत होती 2009 से, जब अपन एक कोर्स करके ख़त्म कर चुके हैं सर्टिफिकेट कोर्स रेडियो का। उसके बाद एक 3 महीने की बहुत ही ग़ुलामी वाली इंटर्नशिप, जितने लोगों ने ज़िंदगी में इंटर्नशिप करी उन्हें पता है इंटर्नशिप क्या होता है। सबसे पहले बुलाते थे हरामी, सबसे लास्ट में भेजते थे। वहाँ से एक नौकरी का वादा मिला, और क्योंकि घर वालों से लड़के गए थे कि नहीं बजानी है सितार और नहीं करनी पढ़ाई, हम ढूंढ लेंगे हमारी नौकरी, और घर वापस गए तो नौकरी लेके गए, तो मतलब ऐसा स्वैजर। फिर एक दिन फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, उन्होंने कहा कि महीने भर बाद लेटर आ रहा है। ऐसे करते करते 9 महीने हो गए और लेटर नहीं आया, और 9 महीने बाद जब ये नौकरी का झूठा वादा पैदा हुआ तो मरा हुआ निकला। तो एक दिन ना ऐसे मन में ख्याल आया कि यार बेरोजगार रहना है ना, तो कम से कम बड़े शहर का तो रहें, अगर गली के कुत्ते ही हैं तो फिर हाईवे पे चले जाते हैं ना हम। मतलब और वो भी उसमें उम्मीद है कि बड़े शहर में बेरोजगार रहेंगे तो शायद किसी छोटे शहर में नौकरी लग जाए। तो 2 बजे सोचा, 4:20 की ट्रेन थी इंटरसिटी, इंदौर टू दिल्ली निज़ामुद्दीन। पापा बोला, पापा आए घर पे, स्कूल से टीचर हैं पापा अपने, तो 2:30 बजे आए थे, मस्त नौकरी, ज़िंदगी में टीचर बनो। गर्मी की छुट्टियाँ, सारी हॉलीडेज़, कोई मीडिया वाला प्रेशर नहीं, और बच्चों को जी भर के डांटो। 2:30 बजे पापा आए तो मैंने बोला दिल्ली जा रहा हूँ। पापा, ऐसे थोड़ी होता है कि बात मत कर मुझसे, तो पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, अपना बैग वैग में कपड़े वपड़े डाले और अपन निकल गए। जनवरी की बात है, वहाँ पे ठंड हो रही थी, तो अपन चढ़ गए ट्रेन में। तो 3rd क्लास का डब्बा समझते हैं आप लोग, 3rd AC मत समझ लेना। तो AC में 3 कैटेगरी होती हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3। फिर आता है 2nd क्लास, जो कि होता है रिजर्वेशन का डब्बा, जिसके अंदर अंकल लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, और अगर कॉलेज के लोग फंस गए तो वो अंताक्षरी खेलेंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके बाद आता है 3rd क्लास का डब्बा। तो 3rd क्लास के डब्बे में मैं बाथरूम के बाहर बैठा था 6 और लोगों के साथ, अंदर भी बैठ सकता था पर वहाँ 12 थे। तो मेरे पास एक शॉल थी और मैं अखबार बिछा के बैठा था। अखबार गर्म होता, ज़िंदगी में सीख लो, अखबार की तासीर गर्म होती है, तो कभी बुरा वक्त आया तो अखबार बिछा के ओढ़ भी सकते हो, तो ये आज बता रहा हूँ। तो वही बात है ना कि एक जावेद साहब की किताब एक तरकश, उसमें एक शेर है कि अशारों में तलखियाँ बनी बात ही थी, जो हम पे है गुजरी हमें है याद सब। तो अखबार बिछा के मैं बैठा था और मैंने एक शॉल ओढ़ रखी थी, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी बैठा था, तो बहुत ठिठुरा था, उसके नाक वाक बह रही थी, और मतलब मेरे को लगा मर जाएगा ये, और टेम्परेचर है कुछ 5-4 डिग्री के आसपास। तो मैंने अपनी शॉल उसको दे दी, और ऐसे बस ऐसे ही ना दे दी, कुछ वो नहीं कि मैं बेटर ह्यूमन बींग। ओहो हो, उस वक्त मैंने अपनी 3 बजे रात को ना, कविता ना कभी भी आप तक आपको आती है, आप खुद नहीं लिख सकते, आप कभी सोचो कि मैं बैठ के कविता लिखूं, और मेरे पास थे 1500 रुपये सिर्फ, और एक शहर में जा रहा था जो मुझे पहले भी निकाल चुका है, वापस दिल्ली जा रहा हूँ। 1500 रुपये भी वो 1500 रुपये जो मेरी मम्मी ने निकलते वक्त दोनों आँखों में आंसुओं के साथ मेरी मुट्ठी में दबा दिए थे। है ना, माओं की ये सबसे खास बात होती है ना कि तुम चाहे कितने मशहूर हो जाओ, कितना ही नाम हो जाए, वो आज भी पैसे दबा देती मेरी मुट्ठी में, मैं क्या ज़रूरत नहीं है मम्मी। तो 1500 रुपये वो, और कुछ मतलब नौकरी नहीं है, कॉलेज छोड़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ने नहीं जा सकते, सितार नहीं बजाते हैं आप। तो उस वक्त 3 बजे अचानक से मैंने अपना बैग खोला और एक कॉपी निकाली और पेन निकाला और एक कविता लिखी, शायद लोगों ने सुनी हो। मतलब वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना कि यहाँ से नीचे हार नहीं सकता अगला, इसके ऊपर तो जीतना है ना, अब कोई मेरा क्या, इसके आगे क्या बिगाड़ लेगा कोई। तो उस वक्त लिखा था कि कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कुछ कविता आपने सुनी होगी, बस कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ मैं कि वो कहाँ आई, वो ट्रेन में मैंने लिखी। कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को ही ढल गया वो रात से था डर गया, मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। जब आप बड़े शहर में बेरोजगार होते हो ना, जब काम ढूंढने, बेरोजगारी की सबसे कमाल की बात ये होती है कि पता नहीं होता है ना कब बंद हो जाएगी। तो मेरा दोस्त है विश्वास, वो भी आ गया दिल्ली और हम दोनों साथ रहने लगे।
और बड़ा मतलब बेरोजगारी में तुम पता नहीं होता, कोई बुला लेगा, कितने भी पैसे लग सकते हैं। तो हम एक ही वक्त खाना खाते थे और दूसरे वक्त हम ऐसे एक डिनर करते थे, लंच वंच का सीन नहीं था, ठीक है। और कहते ना कोई शहर अच्छा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते। मतलब ना मैं बहुत घमंड करना चाहता हूँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने में इतने लोगों का हाथ लगा है ना कि मुझे पता ही नहीं कि मैं किससे पलट के घमंड करूँ। क्योंकि मैं जिस मकान में रहता था दिल्ली में, वो लैंडलॉर्ड जो है वो एक तो दिल्ली के लैंडलॉर्ड, ऊपर से मुस्लिम, एक्स पुलिसमैन और जाट, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे बिल्कुल। तो मतलब उनका वैसा था कि पैसे नहीं लूँगा, पैर तोड़ दूंगा मैं उसके। और यही आदमी मुझसे कहता था, 3 महीने किराया नहीं देने के बावजूद भी मुझसे कहता था, पैसे हैं तेरे पास दे पाएगा। 30 रुपये का टिफिन आता था मेरा, उसमें भी 7-7 हज़ार रुपये उधार हो जाता था। तो मतलब मैं चाहता हूँ घमंड करना पर इन लोगों का कर्ज़ा उतरा नहीं है अभी। तो 3 लगातार सालों की एक ज़बरदस्त बेरोज़गारी, ठीक है, और उसके अंदर भी वो एक टॉर बनी हुई है, कुछ हो जाएगा यार, कुछ कर लेंगे, घर से निकल गए हो आप और पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा ना बचपन में पापा ऐसे मजाक में कहते थे कि अरे तू बड़ा आदमी है यार, बस एक वो क्या चढ़ गया दिमाग में, अपन सब छोड़ के चल दिए हैं। और क्या है, एक बिलीव ही तो है ना अंदर कि पता नहीं क्या पर कुछ हो जाएगा, कुछ तो कर लूँगा मैं। एक दिन विश्वास बोला, बोले सुन तेको एक दोस्त का नाम लिया जो हमारी क्लासमेट होती थी, जो हम लोगों से बहुत मदद उदद लेती थी, उसकी नौकरी लग गई और उसका एक प्रमोशन भी हो गया, हम अभी बेरोजगार ही हैं। तो उसने बोला यार अपन ने जहाँ शुरू किया था ना अपन वहाँ तक नहीं आज। सब वन ऑफ दोज ना वो मायूसी के दिन होते हैं ना वैसा वाला। तो उस वक्त ऐसे एक शेर और 2 लाइनें लिखी थी कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं, अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूँ मैं, कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूँ मैं। और मुझे जगाने जो और भी हसीन हो के आते थे, मुझे जगाने जो और भी हसीन हो के आते थे, उन ख्वाबों को सच समझकर सोया रहा हूँ मैं। और वैसा होता है ना कि कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना। दिवाली बहुत पसंद है मुझे, दिवाली मेरा पसंदीदा त्यौहार है, ठीक है। और दिवाली की सबसे खास बात यह ना कि अब हिंदू मुसलमान में दिवाली दिवाली है यार, अपने को सब त्यौहार बहुत पसंद। तो अक्सर ना दिवाली पे घर चला जाता था मैं वैसे। तो एक बार क्योंकि छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला था दिवाली पे दिल्ली में, बेरोजगारी के टाइम की बात है, घर वालों से बात नहीं। घर वाले बोल रहे हैं यार तुम क्या वापस आ जाओ ना, क्योंकि वापस आके मैं आराम से किसी स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी कर सकता हूँ। पर नहीं करना यार, नहीं माननी हार, गिव अप थोड़ी करना है यार, अब निकल गए ना बस, भाई तुम्हारा वॉरियर है। तो ना ऐसे बीच बीच में ऐसा होता कि घर वालों से 8-8 महीने बात होना बंद हो जाती थी। और अपन ना अपन मैं नहीं कहूँगा छोटे शहर के लोग, बहुत सारे लोग बड़े शहर के लोग भी ऐसे होंगे ना, कुछ लोग होते हैं बड़ा इमोशनल, अपन ना थोड़ा इमोशनल आदमी है। तो अपना ना ऐसा अपन रिश्तों में काम कर सकते हैं, रिश्ता कायम हो जाएगा ना तो अपन काम कर सकते हैं, अपन ऐसे प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी ज़िंदगी में जितने मेरे बॉसेज रहे ना, मैंने हमेशा उन्हें भाई कहा है, उनका भी सर नहीं कहा किसी को, ठीक है, क्योंकि काम करवा नहीं सकता कोई अपने से। प्यार में कर देंगे, जान ले लो प्यार में, भाई से भाई कह के जान मांग लो दे देंगे, सर नहीं हो पाएगा। घर से निकला, दिवाली का दिन था, कोई भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, और पूरी बिल्डिंग खाली है, मतलब खाली बिल्डिंग है पूरी। और दिवाली अकेला सा त्यौहार कि अगर आप घर नहीं गए और आप अपने कमरे में बैठे हो तो भी पता चलेगा, क्योंकि बाहर पटाखे फूट रहे हैं। तो ना सिर्फ मेरे को रोना आ गया यार। तो मैंने, और ठंड, ये नवंबर का टाइम ना ठंड हो जाती है दिल्ली में, ऐसे स्मॉगी हो जाते हैं। तो मैंने खूट डाला और ऐसे करके मैं बस चलना शुरू कर दिया, मैंने चलते 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 मैं कुछ 3:30 साउथ हॉस्कस विलेज में मैं रहता था, और मैं साउथ एक्स तक चलते चलते चला गया। और चलते चलते और दिमाग में उसे पता नहीं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, घर क्यों नहीं चल जाता मैं, क्या यार क्या कहाँ क्या कहाँ 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 कहाँ। बस एक वहाँ पे साउथ एक्स पहुँचने के बाद उसे याद आया कि बड़े लोगों के साथ होता है ये सब, और बस ये सोचा और मैंने पलटा और मैं स्माइल करके वापस आ गया। तो उस दिन जब मैं रो रहा था बैठ के कमरे में, उस वक्त एक कविता लिखी थी, छोटी सी कविता, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे कविता भी नहीं है यार, मैं कोई ऐसा बहुत राइटर वाइटर नहीं, ये सब मेरे दोस्त की कहानी है। बता तो उसके कविता थी कि बस का इंतज़ार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतज़ार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, गुम सा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो, क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी, घर नहीं जा पाए ना इस बार भी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।